जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग सीकॉस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। सीकॉस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में हम सभी जानते हैं कि समुद्री मार्ग से जो सामान का ढोया जाता है, जो समुद्री जहाजों के माध्यम से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, वो ये काम कंपनी करती है। और हम सभी जानते हैं कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस करने वाली कंपनियां मतलब काफी ग्रो करती है फ्यूचर में, और उनके पास काफी ज्यादा पैसा भी होता है। तो पैसा तो इस कंपनी के पास है, लेकिन कंपनी के शेयर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। हालांकि देखेंगे तो जो तमाम दूसरे स्टॉक्स हैं जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके शेयर प्राइस में भी इन दिनों अस्थिरता बनी हुई है। मतलब बहुत ज्यादा तेजी इसमें नहीं आ रही है। तो जब ओवरऑल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो अगर उसमें तेजी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा हमें भी संभल कर चलना चाहिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म इसमें पैसा बनता है, तो आप सब रखिए, आपका पैसा इसमें बनेगा। अब चलते हैं, एक एक चीज को समझते हैं कि आखिर इसके शेयर प्राइस में चल क्या रहा है, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट तो आपको क्या करना है, और नया व्यक्ति कहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि काफी कमाल की कंपनी है और छोटी कंपनी है, और सही जगह पे यदि आप एंट्री लेंगे तो लॉन्ग टर्म आपका बेहतर रिटर्न इस स्टॉक में बनेगा। हम सभी जैसे आपको मैंने मैंने बताया कि ये जो कंपनी है काम करती है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, कंपनी का काम है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से जुड़ी ही कंपनी सर्विस देती है, और समुद्री जहाज के माध्यम से। तो इस तरह की कंपनी काम करती है। फंडामेंटल देखेंगे तकरीबन 200 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, और मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी कंपनी जिसका वैल्यूएशन 100 करोड़ से ज्यादा है, तो उसे मतलब पेनी स्टॉक में बात करो, उसे ठीक ठाक समझा जाता है। यहाँ तकरीबन डबल की बात हो रही है, ठीक है। स्टॉक का पी 12 के आसपास है, काफी कमाल का पी है। पी जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन सामान्यतः जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका पी इतना कम होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम है, यह भी बढ़िया बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी और जो आरओसी देखेंगे कमाल का 36% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी इतना रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखता है साल भर में। तो ये कितनी मतलब सुंदर बात है कि एक छोटी सी कंपनी इतना हैवी रिटर्न आपको दे रही है। सामान्यतः तो दूसरे जो पेनी स्टॉक है उसमें इतना शानदार इतना क्या, वो तो माइनस में देखने को मिलता है, प्लस में भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज भी ठीक, और शेयर प्राइस भी बुक वैल्यू से ज्यादा है। अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखिए काम और फंडामेंटल अभी तक हमें ठीक लगा है, दिक्कत कहाँ पे आगे समझेंगे, लेकिन पहले टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट है और कोई नया एंट्री करना चाहता है तो उसे क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले समझिए कि अभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है आपको दिखेगा कि एक चैनल में फंसा हुआ, यानी कि कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आ रहा है, कंसोलिडेशन रेंज में है। और एक बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जब भी इससे बाहर निकलेगा, हालांकि कोई भी स्टॉक जब कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो बहुत देर तक तो उसी में नहीं फंसा रहता, उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, यह भी कर रहा है, और जब भी बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि इसमें ब्रेकआउट होगा ना कि ब्रेक डाउन होगा। थोड़ा सा नीचे आ सकता है जैसे यहाँ पर आया था, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये प्राइस जाएगा ऊपर ही, और ऊपर निकलेगा तो इसका जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस है 6.5 रुपए के आसपास, इसको भी ब्रेक करेगा और इजिली 7 से 10 रुपए तक जाते हुए आपको शॉर्ट टर्म में टारगेट ये दिखाएगा। थोड़ा सा जैसे मैंने शुरू में बताया कि अभी इन दिनों इसमें स्थिरता बनी हुई है, तो आपको इसमें थोड़ा वेट ही करना होगा, और सब्र का फल मीठा होता है आप सभी जानते हैं। तो अभी जो नया व्यक्ति है वो क्या करेगा, जैसे इस रजिस्टेंस ये जो लेवल है 4 रुपए का, इसको ब्रेक करेगा तो यहीं पे एंट्री ले लीजिएगा। जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या करना है, तो एवरेजिंग करना चाहते हैं तो इस लेवल के जैसे ऊपर निकले जहाँ पे नए व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेंगे 4 रुपए के आसपास, वहां पे आप भी एवरेजिंग कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा टॉप पे लिए, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा तो प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज बता दी, नए व्यक्ति के लिए और जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उससे भी क्या करने की जरूरत है। अब समझते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट। क्वार्टर्स के रिजल्ट में देखेंगे तो ये मार्च क्वार्टर के नंबर आने बाकी हैं अभी, यानी कि क्वार्टर जो 4 के नंबर होते हैं वो इस कंपनी के नहीं आए, सिर्फ दिसंबर क्वार्टर तक ही रिजल्ट आया है। दिसंबर के जो मंथ था उसमें रिजल्ट काफी खराब आया था, काफी निराशाजनक आया था, जिसके बाद से आपने देखा कि शेयर प्राइस जैसे मैंने दिखाया 6.5 रुपए से कम होकर 4 रुपए के आसपास आ गया है। पहले इसका जो यहाँ पे था सेल्स काफी ज्यादा हो रहा था, अचानक से दिसंबर क्वार्टर में किसी कारण इसके जो सेल्स में कमी आया, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है या जो नेट प्रॉफिट का है, नेट प्रॉफिट सब चीज में प्रॉफिट में आपको कमी देखने को मिला। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो अच्छा खासा कमी देखने को मिला, 7 करोड़ के आसपास जहाँ पहले प्रॉफिट होता था 5-5 करोड़ के कम होकर सिर्फ 7 लाख के आसपास रह गया। लेकिन जो कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर अभी आने वाले हैं, उस क्वार्टर 4 के नंबर में उम्मीद है कि इस बार कंपनी फिर से तहलका मचाएगी और इसके क्वार्टर्स के नंबर अच्छे आएंगे, जिसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में फिर से एक बार जो मैंने बताया कि इसमें ब्रेकआउट होगा, अभी चूंकि कंसोलिडेशन रेंज में है तो वो आपको ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा और एक अच्छी खासी रैली इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। बाकी जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में आप पाएंगे कि कंपनी के जो इसमें कर्जे हैं, कर्जे काफी कम है, और कर्जे से ज्यादा कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा होता है, जो फ्री कैश फ्लो होता है वो है, यानी कि कंपनी जब भी चाहे अपना कर्जा इजिली चुका सकती है, और कंपनी प्रॉफिट में तो है ही,
तो कंपनी के पास जब कर्जे नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में भी है, हालांकि प्रॉफिट पहले पिछले क्वार्टर में कम हुआ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगले क्वार्टर में फिर से अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएंगे, तो एक अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। हालांकि लॉन्ग टर्म में सीक और शिपिंग में एक अच्छा पैसा बनेगा, ये बात आप मानकर चलिए। आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कीजिए लंबी अवधि के लिए, और जिसका पहले से निवेश नहीं है उसके लिए क्या करने की जरूरत है वो भी मैंने बता दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर भी जरूर मुझसे बातें कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।